आज बच्चों हम लोग बात करेंगे एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, है ना। बोर्ड पर नज़र रखेंगे बच्चों, 100% आपको समझ में आएगा। एन फैक्टर या इसी को कहते हैं वैलेंसी फैक्टर। फैक्टर मीन्स क्या होता है बच्चों? कारक। वैलेंसी मीन्स संयोजकता, संयोजकता कारक जो प्रभावित करता हो, है ना। यानी किसी भी एलिमेंट का या किसी भी मॉलिक्यूल्स का, है ना। हम लोग इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? तो यहाँ लिखते हैं इक्विवेलेंट वेट बराबर एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर। या मॉलिक्यूल्स का निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर, है ना। तो ये वैलेंसी फैक्टर है क्या? तो कहता है वैलेंसी फैक्टर को तीन टर्म में हम लोग समझते हैं, है ना। ये वैलेंसी फैक्टर पहला है ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं। दूसरा है नंबर ऑफ रिप्लेसिबल या एसिडी, बेसिसिटी और एसिडिटी कर देते हैं, बेसिसिटी और एसिडिटी। तीसरा है चेंज, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम लोग बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट में देखते हैं, जैसे कोई भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स जब फ्री स्टेट में रहता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, डिटेल से दिया हुआ है, सारा चीज आप देख सकते हैं। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे है कैल्शियम प्लस टू, है ना, तो इसका एन फैक्टर प्लस टू यानी दो होगा, है ना। और किसी भी ऑक्सीडेशन ये इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करेंगे? एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। मैग्नीशियम को ले लेते हैं प्लस टू, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू हुआ, और ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू हुआ तो एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर क्या हुआ बच्चों? दो हुआ। बेरिलियम है प्लस टू, दो होगा। एल्यूमिनियम है प्लस थ्री, थ्री होगा। अब हम लोग देखते हैं बेसिसिटी और एसिडिटी। बेसिसिटी नंबर ऑफ रिप्लेसिबल हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, जितना हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा उसका वही बेसिसिटी कहलाएगा। एंड एसिडिटी नंबर ऑफ रिप्लेसिबल OH आयन फ्रॉम एस बेस कॉल्ड एसिडिटी। यानी जितना OH आयन को रिप्लेस करेगा वही उसका क्या होगा बच्चों? एसिडिटी। और बेसिसिटी एच आई एन, एसिडिटी ओ एच आई एन, यानी ये दो पार्ट में हुआ। नंबर ऑफ रिप्लेसिबल एच आई एन फ्रॉम एसिड, है ना, बेसिसिटी कहलाएगा। जैसे HCl है, इसका बेसिसिटी क्या होगा? वन होगा, यानी एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा। H2SO4 दो हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, बेसिसिटी टू होगा, वही एन फैक्टर हो गया। HNO3 एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, इसका बेसिसिटी वन, एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? वन होगा। H3PO4 बेसिसिटी थ्री होगा, इसका क्या होगा बच्चों? एन फैक्टर थ्री होगा। जैसे मान लिया CaOH का होल टू है, ये जब भी करेगा रिप्लेस करेगा दो OH आयन को, यानी इसका बेसिसिटी क्या होगा? टू। NaOH इसका बेसिसिटी क्या होगा? बेसिसिटी नहीं बच्चों, एसिडिटी, क्योंकि OH आयन को रिप्लेस करेगा, इसका एसिडिटी वन हुआ। यानी एन फैक्टर नंबर ऑफ एसिडिटी या नंबर ऑफ बेसिसिटी। अब बच्चों हम लोग देखते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दो मेथड का इस्तेमाल करते हैं, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दूसरा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, है ना। तो हम लोग जैसे
KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, है ना। यहाँ लिखते हैं MnO4 माइनस, है ना, Mn+2। मान लिया ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है, इसमें है KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट अगर MnO4 माइनस का निकालते हैं तो जिसका निकालेंगे उसको x मानेंगे बच्चों, है ना। x एक ऑक्सीजन का माइनस दो होता है फॉर्मल चार्ज, और कितना है 4, यानी -8 इजकल टू चार्ज -1 है, एक्स इजकल टू 7। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 7 आया, और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आप खुद देख रहे हैं 2 है, है ना। यानी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इजकल टू 7 - 2 = 5, यानी इक्विवेलेंट वेट KMnO4 का हो जाएगा मोल वेट डिवाइडेड बाई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर यानी 5। और इसका मोलिकुलर वेट निकाल के इसमें ऐड कर देना है, पोटासियम का 39 होता है, मैग्नीशियम का 52 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि एन फैक्टर का यूज, पहला यूज तो है इक्विवेलेंट वेट निकालने में किसी भी एलिमेंट, किसी भी मॉलिक्यूल्स का। दूसरा है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट बराबर अभी तुरंत हम लोगों ने देखा एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई ए वी फैक्टर। अगर ए निकलेगा तभी तो यहाँ वैल्यू बैठाएंगे। तीसरा है नॉर्मलिटी, यानी नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है W(1000)/E(V)। यहाँ देखा जाए बच्चों इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर, है ना। तो ये सारा यूज है। तो बच्चों रेगुलर क्लास करते रहिए, अनवरत प्रयास कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।